हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि रुद्राभिषेक क्या है। मतलब कोई भी चीज़ हम अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें डीपली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिव पुराण में ये सब कुछ बताया गया है। सावन में मैंने आपसे कहा था कि आप शिव पुराण ज़रूर खरीद लें, उससे आपको बहुत नॉलेज होती है। कुछ बहरूपिये हैं, जैसे जो ब्राह्मण अच्छे हैं, जो सही ज्ञान देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं तो हमें इन किताबों का भी मतलब एक होता है ना, पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता रहें क्या है क्या नहीं है, कोई गलत आपको गुमराह ना कर सके। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ की एकदम सटीक जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं कि रुद्राभिषेक होता क्या है। तो जैसे भगवान शिव जो हैं वो कल्याणकारी हैं, उनकी पूजा आराधना जो है वो सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होती है। और पूजा कर उनको थोड़ा सा एक होता है ना, जल मात्र ही चढ़ाने से हमारी हर एक इच्छा को वो पूरी करते हैं, और उनकी पूजा से हमें हर तरह के लाभ भी मिलते हैं। पूजा उनकी बहुत आसान है, व्रत बहुत आसान है, हर चीज़ की विधि उनकी बहुत आसान है, पंचाक्षर मंत्र जो है वो भी बहुत आसान है, सिंपल सा ओम नमः शिवाय, इन सबको पढ़कर हम जो है बहुत आसानी से ही उनके दिल को जीत सकते हैं और अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इन रुद्राभिषेक का मतलब ये होता है कि शिवलिंग पर जो रुद्र मंत्र हैं उनसे उनका अभिषेक करना, ठीक है। तो अभिषेक करने के लिए क्या है कि जो मंत्र है रुद्राभिषेक के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में बताए गए हैं, बाकी शिव पुराण में आप उसका प्रोसीजर जान सकते हैं पढ़ करके। और जो रुद्राभिषेक है वो है हमें कि रुद्र यानी कि शिवलिंग का जो है स्नान कराना या उसका अभिषेक करना, उसको सजाना, प्रभु के शिवलिंग रूप की पूजा करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई भी ऐसे जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया है, उन सबको मिटाने के लिए आपको शारीरिक कष्ट है या धन लाभ नहीं है, आर्थिक कष्ट है आपको, या मानसिक चिंता है आपको, किसी तरह का ग्रह कलेश है, या मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, धन की कमी है, सुख शांति की कमी है, इन सबको पूरा कर सकते हैं आप रुद्राभिषेक करा करके। तो ये होता है रुद्राभिषेक और इसका लाभ। रुद्राभिषेक का सिंपल सा मतलब है कि प्रभु के रुद्र रूप यानी कि शिवलिंग की अभिषेक करना, उसका आप बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करके अलग अलग लाभ पा सकते हैं। और इसको आजकल के ज़माने में जैसे हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में शिव जी को सावन भर भी अगर उतना समय ना दे पाएँ तो अपने घर पे या मंदिर पे एक बार हम रुद्राभिषेक करा के अपने सभी पापों का नाश कर सकते हैं। ये होता है रुद्राभिषेक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।